हर खबर के लिए यूट्यूब बिहार में तादुन सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। ब्रेक के बाद बिहार में तादुन में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज और एक गंभीर मुद्दे पर हम बात चर्चा करें। देखिए, ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण मायने रखता है, किसी एक परिवार की लड़की या एक लड़का के एक कदम से कई परिवार डिस्टर्ब हो सकते हैं, कई परिवार परेशान हो सकते हैं, कितने की मौत हो सकती है, कितने लोग जीवन भर केस कचहरी के चक्कर में परेशान होंगे। इसलिए हम इस मुद्दे को प्रमुखता से रखना चाहते हैं कि एक बसंत झा जिसके पिता त्रिलोकीनाथ झा हैं, कोर्थू घनश्यामपुर के रहने वाले हैं, उसने एक लड़की से शादी कर जिसके साथ जीवन बसाने का सपना देखा था और दो गांव के लोग एक दूसरे के यहाँ जाकर एक परिवार की तरह भोज खाने के बाद दहन दहेज का काम जो वैवाहिक जो रीति रिवाज है उसके साथ हुआ। उसके बाद जो घटना घटती चली गई ये बहुत शर्मनाक है। और बसंत झा से हमने फोन पर सबसे पहले उसने हमें बात की थी। उसने हमें कहा कि हम आपको सब बात बताएंगे, उसने बताया भी। और जब हमने उसे कहा कि हम आपको डिबेट कराते हैं, आप जो बात हो सामने रखें, उसके बाद उसने दो दिन का समय लिया। हमने कहा कि नहीं, तब तक हम लड़की के भावनाओं को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि सभी समझे किस तरह आज के समय में कोई एक व्यक्ति अपने हवस, आर्थिक और शारीरिक दोनों हवस के लिए कितने की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। हमारे साथ हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं। जीशा जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके कंधों पर भी एक जिम्मेवारी थी, आपने जो डिसीजन लिया ये जिंदगी का सवाल होता है। जीशा जी, आपने सब कुछ बिना सोचे अपने परिवार से अलग होकर के ना अपने परिवार को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, ना आपने उस लड़के के पिछले जिंदगी के बारे में जाना, आपने लड़का के माता पिता के बारे में नहीं जाना, तो आपने तो गलती की ना ईशा जी। जी सर, गलती ये थी मेरी कि मैंने इन लोगों की बातों को, झूठी बातों को उन पे विश्वास किया कि ठीक है मेरे हस्बैंड झूठ बोलेंगे लेकिन किसी का माँ बाप तो झूठ नहीं बोलेगा ना, किसी के चाचा चाची तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। उन लोगों ने जो बोला मैंने सब कुछ किया। उन लोगों ने बोला आपको अभी 3 साल हुआ, आपको गांव नहीं आना है, हमारे यहाँ पे समाज होता है वो अलग है, समाज में आपको दिक्कत होगी, हमारा घर ऐसा बना हुआ है, आप दिल्ली की लड़की हो, बहुत सारी उन्होंने बातें बोली और मैं उन पे विश्वास करती गई कि कोई बात नहीं, अभी ठीक है, प्रॉब्लम है, हम लोग सब चीज़ें सॉल्व करेंगे मिलके। अगर फाइनेंशियली हेल्प हो वो भी करी, तब भी उन लोगों को मेरे से ये उम्मीद था कि मेरे पापा से बात करके उनको एक फ्लैट मिल जाए, उनको एक गाड़ी मिले, उनको बाइक मिले। इवन बाइक तक मैंने उनको दिलाया है खुद, जो 1.5 लाख की कीमत का बाइक है। उन्होंने जो बोला मैंने सब कुछ किया। हाँ, मेरे पापा से बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि मैंने अपने पापा के अगेंस्ट में जाके शादी की है, तो मैंने कभी उन पापा से कभी हेल्प नहीं लिया क्योंकि ये मेरा डिसीजन था। हम दोनों पढ़े लिखे थे, हम दोनों कमाते, अपनी गृहस्थी देखते, 3 साल से भी हम लोग अपनी गृहस्थी खुद ही देख रहे थे, लेकिन ये लोग लालची थे। जब मेरे पे हाथ उठाना चालू किया मेरे हस्बैंड बसंत झा ने, और उनके पीछे से उनके माँ बाप भी मेरे से ये बातें करते थे, जब मैं अपनी चोटों के निशान उन्हें भेजती थी, चाचा जी को और बसंत झा के पापा को जब मैं भेजती थी कि ये मुझे ऐसे मार रहा है, ये सब कर रहा है, तो उसके पापा बोलते थे कोई बात नहीं, ठीक है, आपके हस्बैंड है, आप देखो, आप लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है। मतलब वो ऐसा मुझे जवाब देते थे कि कभी मुझे लगा ही नहीं कि अगर मैंने शादी किया तो मेरे हस्बैंड के वो पिताजी हैं। अच्छा, तो फिर शादी के बाद इतनी बड़ी घटना घटी तो आप अपने ससुराल क्यों नहीं आए? देखिए, आप समझना चाहिए कि आपने अपने घर परिवार से अगेंस्ट शादी की है और आप जिस मानसिक दौर से गुजर रही हैं, आप अकेली लड़की हैं, दिल्ली जैसे जगह पे आप प्रारंभ से ही रही हैं, आप एक अलग कास्ट की भी हैं, आप फिर आपने हिंदू धर्म भी अपना लिया है, फिर भी आप बिहार आकर के अपने ससुराल आना चाहिए था, क्या बिहार आ पाई? महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप पहले दर्शकों को ये बता दीजिए किस तरह उसने हिंदू से मुस्लिम और मुस्लिम से फिर हिंदू धर्म, फिर आपने कहा कि मुस्लिम से उसने हिंदू नहीं अपनाया लेकिन आपने हिंदू रीति रिवाज से आपने हिंदू पर्व को किया है, अपने आप जैसा बता रही हैं किस किस पर्व को आपने किया है क्रिश्चियन होते हुए हिंदू के पर्व को। कैसे जब हमने शादी किया है वहाँ पे तो मेरा कन्वर्जन हुआ है, मेरे कन्वर्जन का सर्टिफिकेट भी है, बट मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे हिंदू ही अपने आप को शो किया था तो जिसके कारण उनका कन्वर्जन नहीं हुआ है। सर ऐसे बिहार के समाज के लिए तो वो अभी भी
हिंदू है, कात्यानी उनका गोत्र है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट और कानून के तरीके से देखा जाए तो वो एक मुसलमान है 2018 से। 2018 में उसने मुस्लिम धर्म अपनाया, जिसका सर्टिफिकेट भी है, जिसे मिला था उसको सर। और जिसका जिसका इस्तेमाल सर, जब मैंने अभी इन पे केस कर दिया है, क्योंकि मुझे इनकी समझा ने जो रिकॉर्डिंग भेजा है हमको, उसका कहना है उस रिकॉर्डिंग में उसके पापा के त्रिलोकनाथ झा की आपसे बात हो रही है, और वो कह रहे हम नहीं जानते तुमको, कौन हो तुम, क्यों उनको परेशान कर रही हो। बिल्कुल सर, एक्चुअली ये आरोप उनको लगाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आरजू झा से तो उन्होंने ही शादी कराया था बसंत का, तो फिर उस पे भी इन लोगों ने आरोप लगाया कि वो बच्चलन है, उसके कई अफेयर हैं, तो मेरे पे इनको कोई आरोप नहीं मिला, तो उन्होंने ये सब आरोप लगाया। और पहली बात तो बसंत झा बचपन से ही दिल्ली में रहे हैं अपने चाचा के पास, वो तो गांव में कभी रहे ही नहीं है। और रही बात कमाने की, तो कमाने के लिए अगर आते तो वो अपना कॉलेज की पढ़ाई, अपनी स्कूलिंग वो दिल्ली से करते या बिहार से करते? उनके पेरेंट्स के पास तो खाने तक के लिए पैसा नहीं है, तभी तो वो अपने एक बेटे की, एक बेटा पहले भी मुनमुन झा, वो भी रेप के केस में उसको मारा गया है, ठीक है सर। और उसके बाद उन्होंने, ये बिहार की घटना है और मुनमुन झा, मुझे सन याद नहीं है, क्योंकि वो भी मुझे अब चीजें सारी सामने आ रही हैं कि इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है। और उसके बाद मुझे पता चला है कि बसंत झा डर के मारे गाँव नहीं जाते थे कि कहीं मुझे जान से ना मार दे, क्योंकि इनके पीछे भी कुछ इन लोगों का दुश्मन वगैरह होगा गांव में अपना ग्रामीण। कितना पैसा आपने दिया होगा अभी तक, क्या क्या सामान और पैसा दिया है, क्यों दिया? और उस कंडीशन में ये हुआ कि मेरे से उनकी शादी हो गई, तो ये था कि उनको एक इनकम का सोर्स में मिली हुई थी। इवन इनके पापा का, त्रिलोकनाथ झा का एक्सीडेंट हुआ था धनतेरस पे लास्ट ईयर, तब भी इन्होंने मेरे से पैसा मांगा। एक डेढ़ साल से मैं इनको पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, उसका ट्रांजेक्शन मेरे पास है, मेरे क्रेडिट कार्ड से हैं, जो भी मेरा था, जितना मेरा इनकम था वो सब ये लोग यूज कर रहे थे। और आज वो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी समाज में मुंह दिखाना है कि मैं गलत नहीं हूँ। और उनकी मम्मी का अब ये मानना है, पहले मैं उनकी बहू थी, और अब ये मानना है कि मैंने उनके बेटे को फंसा के उनसे शादी की है। 3 साल तक कोई किसी को फंसा के रख सकता है सर? ये दिल्ली से, और हम बता दें कितनी लड़कियों के भावनाओं के साथ खेला जाता है, खासकर शादी, ये जो गांव से जाकर के, हम बता दें पोर्तू के रहने वाले हैं बसंत झा, ये बाहर जाकर के इन्होंने 3-3 शादियां की, 4थी शादी वो करने वाले थे, एंड वक्त पर इनकी 2 पत्नियों को, जिसे तलाक अभी नहीं दिया गया, इसीलिए हम पत्नी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बसंत झा कह रहे हैं कि हम दोनों को तलाक दे चुके हैं, तो ये दोनों पत्नियों ने इनकी शादी को रुकवाने के लिए दरभंगा आई, और दरभंगा महिला थाना में, फिर घनश्यामपुर थाने में, मणिगाछी थाने में मामला दर्ज हुआ, और उसके बाद उनकी जिससे शादी हो रही थी उन तक इन लोगों ने फेसबुक के जरिए मैसेज दिया और उसकी शादी रुकी, न तो 4थी शादी भी बसंत झा कर लेता, और एक तरह एक और जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक बसंत झा की एक साजिश कही जा सकती थी। जिसु जी, ये चीज हम जानना चाहते हैं, 4थी शादी का क्या मामला था, कैसे पता लगा आपको और आपने क्या किया? मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने, मुझे पता चला ये 21 अप्रैल को कि ये जो है बसंत झा कहीं से शादी वगैरह, इनके रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो तब मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि आप शादी कर रहे हो कहीं और, तो इन्होंने बोला कि नहीं, तुमको हर कोई भड़काता रहता है, तुम उसके कहने में चलते हो। उसके बाद मैंने इनकी मम्मी से बात करी, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दिल्ली में ही आपके पास आके रहेंगे। लेकिन उसके बाद फेसबुक के जरिए जब मैंने जीशा बसंत झा की आईडी बनाई अपने नाम से, कि मैं पब्लिकली सबको ये अनाउंस करूं कि मेरे से शादी हुई है और मेरे से कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, तो क्योंकि इन्होंने मेरे बारे में भी गांव में सबको, जो कुछ लोग इनके जान पहचान के हैं उनको ये बोल दिया था मेरे से तलाक हो गया है, और कुछ लोगों को ये बोला हुआ था कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ, कभी इन्होंने किसी को ये नहीं बोला कि मेरे से इनकी शादी हुई है। तो फेसबुक के जरिए, मैं उस परिवार का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उनकी बेटी है और उसका रिश्ता भी नहीं हुआ है कहीं भी, तो उनके जरिए मुझे पता चला फेसबुक पे कि मेरे हस्बैंड के उसके पेरेंट्स मिलके शादी करवा रहे हैं, और उस लड़की वो भी बिहार से ही है, और ये लोगों ने उनसे ये झूठ बोला कि मेरा बेटा कुंवारा है, मेरा बेटा कुछ गलत नशा नहीं करता है,
जबकि ये सब बातें झूठ हैं, उनको भी धोखा देके लोग शादी कर रहे थे। जिस चीज का मुझे प्रूफ मिला, तो मैं 15 अप्रैल को मैं दिल्ली से 16 अप्रैल तक मैं बिहार पहुंच गई थी, जिसके बाद मैंने 17 अप्रैल को इनको मैंने बिहार घनश्यामपुर थाने में बुलाया। वहां पे जो मैंने इनका बिहेव देखा, इतनी बदतमीजी से इन्होंने बिहेव मेरे साथ किया है, वहां पे जो मेरे रिलेटिव्स गए हुए थे मेरे साथ, संग जो मेरे लोग गए हुए थे उनके सामने भी इन्होंने इतनी बदतमीजी से मुझे धमकी दिया कि तुम आओगी तो तुमको जूता से मारेंगे, बहुत कुछ इन्होंने मेरे से उल्टा सीधा बोला। वहां पे मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद जब मैं 18 तारीख को महिला थाने गई हूँ, वहाँ जाके मेरे सॉल्यूशन निकला, वहाँ जाके मेरी FIR रजिस्टर्ड हुई। जो वहाँ के दरोगा थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, एक IO दिया, जिन्होंने अभी भी मेरे हेल्प कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज जब बसंत झा को ये लगा है कि मैंने केस कर दिया है, तो आज वो बोल रहे हैं कि मैंने तो मुस्लिम तरीके से शादी किया हुआ है। अच्छा, वो बसंत झा करते क्या थे ये बताइए, क्या करते हैं वो, जो दिन दिन शादियां रचा लेते हैं, जो करते क्या होंगे, अब आय का स्रोत क्या था उनका? पहले वो मीडिया में काम करते थे, जो मुझे बताया गया था। वो अपने चाचा के एक एज अ हेल्पर काम करते थे और चाचा के घर में ही रहते थे, और चाचा की जो भी काम होता था घर का, वो सब एक, क्या मैं बोलूँ, एक नॉर्मल बेटे की तरह नहीं, एक सर्वेंट की तरह उन्होंने काम किया है वहाँ पे। और उसके बाद जब वकालत कर लिया, तो 2-3 लोगों से ऑफिस थी इन्होंने खोला लक्ष्मी नगर के अंदर, वहाँ पे भी ये नहीं चला पाए उस ऑफिस को, वो भी बंद किया, क्योंकि वकालत कभी भी सीरियसली इन्होंने करी ही नहीं है, सिर्फ लोगों से पैसा ठगा है झूठ बोल बोल के, उसके बाद छोड़ दिया इन्होंने। और तब उन्हें लगा कि दिल्ली में वकालत नहीं करना है, तो वो बिहार चले। आप कितनी शादियां करते, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा दिशा जी, अब एक अंतिम सवाल ये है कि अब क्या करेंगे आप, क्योंकि इसने एक पहले भी शादी कर ली है जो अर्जुन झा से, हो सकता है कि उनका दोनों का तलाक हो जाए, दोनों की बात कंप्रोमाइज हो जाए, आप क्या करेंगे, आप किसके सहारे जीवन बिताएंगे और क्या करेंगे आप? और एक इससे पहले एक सवाल और, बसंत झा के पिता ने सीधा आप पर आरोप लगाया, जिसे हमको ऑडियो भेजा गया, जिसमें उसके पिता ने साफ आपको कहा है कि बिहार के लड़कों को ये दिल्ली वाली लड़कियां किसी भी तरह फंसा लेती है, उसके पैसे खर्च करती है, उसको इस्तेमाल करती है, फिर बाद में फेंक देती है, ये आरोप आप पर लगा था। सर, मैंने अपना सब कुछ छोड़ के, अपना करियर, अपनी फैमिली, एक सिर्फ विश्वास के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा था, उसको मैंने प्यार किया था, इस कारण से मैंने सब कुछ छोड़ के अपने आप को उसके, उसको अपना साथी बनाया था। वो कितना भी गलत था, सब कुछ था, लेकिन ये था कि वो मेरे साथ था। आज वो किसी और की लाइफ खराब कर रहा है सिर्फ पैसों के लिए, तो ऐसे इंसान के संग रहा जा सकता है कि जो विश्वास करने लायक भी नहीं रहा? आप खुद ही मुझे बताइए। अब अगर सब कुछ हो जाता है, अगर वो कहता है कि नहीं हम आपके साथ रहें, क्योंकि एक आपकी सहारा हो सकती है, तीसरा शादी आपका अंतिम शादी आप ही के साथ था, अगर पहले वाले कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे आप उसके साथ, या आप उसको सबक सिखाना चाहते हैं ताकि और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना करें? कि ये इंसान मेरे संग जिंदगी भर मेरा साथ दे सकता है क्या? आज अगर मैं कमा रही हूँ, कल मैं नहीं कमाऊंगी, तो ये तो मुझे फिर से छोड़ के भागेगा, फिर किसी और से इसके माँ बाप शादी कराएंगे, क्योंकि शादी इसके परिवार के लिए, इन लोगों के लिए खेल है। इनके परिवार के लोगों ने भी एक नहीं, दो दो तीन तीन शादियां कर रखी हैं पूरी फैमिली ने। हर खबर के लिए यूट्यूब बिहार में सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें।